24 hours road blockade withdrawn. Following assurance from district administration, the agitating people of Harangajao withdrawn their NH54E blockade program today. People of Harangajao, in protest against the negligence of NHAI authority towards the people by not completing Jatinga Harangajao portion of NH54E, despite people's repeated approaches. Mention may be made here that Jatinga Harangajao portion of NH54E has been in a deplorable condition for a long time, and people of Harangajao in particular are the worst sufferer. Earlier also, they have organized rally and procession to draw attention of the concerned authorities but failed. इसमें आप खेत कर पाएंगे, इसमें मछली लगा पाएंगे आप, ठीक है। तो मैं हम लोगों के जो आपका जो पोजीशन है, इस हम लोगों ने सरकार को वही अपील कर रहा है अभी, मतलब ये रास्ता जो है, रास्ता को बनाना है, ठीक है। हम लोग पब्लिक है, हम लोग आम जनता, हमारा वोटदान का हमारा अधिकार है, वोटर का हमारा सिटीजनशिप इज आवर राइट, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अस, दे आर नेग्लेक्टिंग अस। तो हम वही बोलना चाहते हैं कि आप लोग इस मतलब बाई रोड की छोड़िए, इस पर ट्रेन का भी बहुत ज़्यादा समस्या है। हम अगर ट्रेन पे भी स्टेशन पे जाना चाहते हैं तो यह से 2-2.5 किलोमीटर का ही है, 10 मिनट का रास्ते पर, वहाँ पे 2-3 ब्रिज टूटा हुआ है, वहाँ पे जाना भी मुश्किल होता है ट्रेन पे। और इस रास्ते पे पेशेंट तो इमरजेंसी पेशेंट के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होता है, रास्ते पे डिलीवरी हो जाता है, पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि रोड पे पानी आ जाता है, आदमी को बहा के ले जाता है उधर ही। तो सरकार को वही हम संदेश देते कि रास्ता जल्द से जल्द बना दे, और वो भी जो काम करके जाता है, जो भी काम करता है, पता नहीं क्या काम करता है, जेकेम भी काम किया, चोरी करके काम किया, क्या क्या पता नहीं, वो कुछ किया ही नहीं, जो थोड़ा बहुत किया भी किया इसके बाद, हाँ वही, इसके बाद जो लक्ष्मी मीटर्स किया फिर वो भी खराब करके चला गया। तो लक्ष्मी मीटर्स अगर हम वही बोलते हैं, फिर अगर दोबारा सरकार अगर लक्ष्मी मीटर्स को ये काम देंगे, उसको सौंपेंगे, नहीं चाहिए उसका काम हमें, उसका काम हमें नहीं चाहिए। जो दिस टाइम दो दे हैव विथड्रॉन देयर एजिटेशन respecting the administration, but also warned if the NHAI does not listen the demand, then they would be bound to take the path of vigorous agitation, for which the government as well as the NHAI would be held responsible. उसको ठीक बैक हम लोगों ने आज जैसा कि पोजीशन किया उससे पहले 2 साल पहले भी किया था, पर सरकार को पता नहीं कि उससे ऊपर लेवल तक सेंटर तक गया कि नहीं। तो फिर मतलब हम लोग इस रैली के द्वारा हम लोग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को यही पहुंचाना चाहते हैं कि संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस बार जो हम लोगों ने रैली किया, इस पर कुछ एक्शन ना हो तो हम लोग अपने डिसीजन खुद लेंगे, फिर सरकार के ऊपर हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए कि हाईवे के मार्शल के बोल रहा है कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा है नीचे बालाचरा साइड पे, वहाँ पे रास्ता जो था उसको भी बर्बाद कर चुका है। पहले हम 3 घंटे में जाते थे, अभी 4-5 घंटे भी जा नहीं पाते, जा पाते तो दूर के बाद रास्ता ब्लॉक होता है, रात को भी ब्लॉक हो जाता है, काम चलता ही रहता है। तो वही सरकार को मतलब यही संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि ये सिर्फ हम लोगों को क्यों निगलेक्टिंग किया जा रहा है इसे, हाँ हम लोगों को ये रास्ता जो है उसको बना के इसको जो NH54 जो है जो उसका नाम दिया गया है वो NH54 उसको बना दे। अच्छा ये एक्चुअली जो 4 लेन का जो काम एक्चुअली पूरे देश भर में शुरू हुआ था, वो अटल बिहारी वाजपेयी के दिन का जो कार्यकाल में शुरू हुआ था, तो अभी नरेंद्र मोदी का ये सेकंड